छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। और इसमें चंद बातें जो गुजारिश की हैं इस हवाले से कि शायद हमारा सबसे बड़ा मसला, हम भूखे रह सकते हैं, हम जंगलों में गुजारा कर सकते हैं, हम पत्ते खा सकते हैं, लेकिन नबी की हुर्मत कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये बात हम सब आपसे इस बात पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए बेकरार हैं। मैं अपनी बात को आखिरी दुआ माना अलहम्दुलिल्लाह। ये जोश खरोश बताता है, आप तशरीफ रखिए। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन का शुक्रगुजार हूँ और ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ रखिए। मैं दावत खिताब देना चाह रहा हूँ डॉक्टर सैयद मोहम्मद शाहिद अली शाह जिलानी, आप हैं दरबार आलिया रसूल कोई साहबा रोड की शरीफ सिंध से तशरीफ लाए हैं आज की कांग्रेस के लिए। मोहतरम जनाब इमरान खान साहब और तमाम मशायखान ज़ी वक़ार व उलमाए किराम व अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या लोगो कलम तेरे हैं। सबसे पहले तो हम पीर सैयद हबीब इरफानी साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे, उन्होंने इतनी पुरवकार और अजीम रहमतों और बरकतों से भरी हुई हसनैन करीमैन के नाना हम सब के आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अजमत और शान पे पुरवकार तकरीब मुनक़िद की। अज़ीज़ाने गिरामी, इस तकरीब का मकसद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, और ये हर मुसलमान जिस दिल के अंदर ईमान रहता है, ईमान बसता है, उसका ये ईमान है कि हमारे नबी आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल और आखिरी नबी हैं। और हम पीर सैयद हबीब इरफानी साहब को ये यकीन दिलाते हैं कि जमात पंजतनिया अल कादरिया इंटरनेशनल का हर हर नौजवान, हर सिपाही इस मसले में आपके साथ है इंशाअल्लाह। जिस तरह पीर साहब ने इरशाद फरमाया कि हम भूखे प्यासे रह सकते हैं, पत्ते खा सकते हैं, मगर खत्म नबूवत पर आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। ये इक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये इक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर हम वारा करें अल्लाह। अजीजाने गिरामी, हम अपने जिस्म की बूटी बूटी करवा सकते हैं, मगर खत्म नबूवत के कानून को खत्म नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह तआला तआला। और हम इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप सिंध तो तशरीफ लाते हैं, कभी हमारी दरबार दरबार आलिया आले रसूल लोई साहिबान भोटकी शरीफ पे, जहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारका और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारका मौजूद हैं, उनकी ज़ियारत का भी शरफ़ हासिल करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज्बे का इजहार कर रहे हैं, यकीनन ये जो आपकी फीलिंग्स हैं वो कन्वे हो रही हैं तमाम पीटीआई की क़यादत तक। और इस आज के हवाले से मैं अब ज़हमत देना चाहूँगा खिताब के लिए पीटीआई के रहनुमा जनाब एजाज चौधरी साहब से, कि वो अपने अखबार आलिया से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना,
और निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। वाजिबुल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, मोहतरम मुकाम पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी चिश्ती साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा मशायखे उज़्ज़ाम कायदीन कराम, मेरे दोस्तों और साथियों, वक्त की कमी के पेश नज़र मैं मुख्तसर 3 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, और वो बात सिर्फ एक ही है। वो बात ये है कि हमारी सारी ज़िंदगी की तगो दो, ये सारी कायनात अव्वल से लेकर आखिर तक इसका महवर व मरकज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। ये जो कुछ भी दुनिया के अंदर है, जो शजर जो हजर जो आसमान सूरज सितारे, ये आसमान और जमीन, ये समंदर ये खुशकी ये पहाड़ ये दरिया, ये सब उनके दम कदम के साथ है, इसके बगैर हो नहीं सकता। लेकिन शायद उम्मत की असल कैफियत को आज से 70 बरस पहले 80 बरस पहले हजरत इकबाल ने यूं समझा था, शबे बगरेस्तम पेशे खुदाजार, शबे बगरेस्तम पेशे खुदाजार, चिर्रा मुसलमानान चिरा खारंद दारंद, नदा आमद नमीदानी के ही कौम दिले दारंद महबूब नदारंद। एक रोज हजरत इकबाल ये फरमाते हैं कि मैं सारी रात रोया और मैंने ये कहा कि ए बारे इला, ये तेरी कौम क्यों मुसलमान आज जलील खार हैं, क्या वजह है? और नदा आई कि क्या तू नहीं जानता इस कौम के सीने में दिल है लेकिन दिल के अंदर महबूब नहीं। और फिर खुद ही महबूब की निशानदेही की, दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफास, आबरूए ना जिनामे मुस्तफास, आबरूए मां जिनामे मुस्तफास। इसलिए आज की कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए मुनक्किद की गई है, इसलिए बर्पा की गई है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कायम होने वाला पाकिस्तान, इसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऊंची आवाज से कोई सांस भी ले तो हमें गवारा नहीं है, कोई ऊंची आवाज में सांस भी ले तो गवारा नहीं है। और वक्त के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के 21 करोड़ मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है, वहां पर ओथ की बजाय डिक्लेरेशन लिख के, और आज तक वो रिपोर्ट वो जालिम उसके पीछे साजिश करने वाले वो सामने नहीं आ सके। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये जालिम हुक्मरानी के मंसब के ऊपर मौजूद हैं। और याद रखिए कि तहरीक इंसाफ का ये ऐलान है कि ये नामूसे रिसालत के गुस्ताख, इन्हें सफाए अस्थी से नाबूद करना है। ये एक दफा नाहल होंगे, दो दफा नाहल होंगे, तीसरी मर्तबा नाहल होंगे, हर दफा जिस अदालत में जाएंगे जिस कौम के पास जाएंगे नाहल 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 रहेंगे। और आखिरी बात मेरे दोस्तों और साथियों, ये याद रहे सबको, इस मुल्क का आइन ये कहता है कि इस मुल्क के अंदर हाकमत आला अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, और उसके अहकामात और उसके सारे तनफीस वो पार्लियामेंट के नुमाइंदों की है, और पार्लियामेंट के नुमाइंदा
जो सादिक और अमीन नहीं है, जो झूठा और बदयानत है, वह इस मुल्क के अंदर हुक्मरान नहीं बन सकता। और अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को आज तक सादिक और अमीन डिक्लेयर कर चुकी है तो आपके सामने है। और इजाजत चाहता हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वजीर आजम। इजाज शाहिशाह बहुत शुक्रिया, आपने बाकी वक्त का ख्याल किया। मैं सिर्फ एक पैगाम यहाँ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत ही मोहसिस और काबिल एहतराम शख्सियत हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की साहिबज़ादा नशीन आज किसी वजह से इस महफिल में तशरीफ़ नहीं ला सके, उनकी तरफ से मुबारकबाद है आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए और साहिबज़ादा नशीन सुन्नत शरीफ के लिए। और उन्होंने तमाम मशाइख को इस शिरकत पे दावत भी दी, दाद भी दी और उनको इस शिरकत के लिए ये कहा कि हम तमाम लोग इमरान खान साहब के साथ उस जज्बे के साथ शामिल हैं जिसमें वो पाकिस्तान को नई तामीर करना चाहते हैं। और ये पैगाम जो मैंने आपके अपनी खिदमत में गोश गुजार किया था, ये था सजादा नशीन शाह अब्दुल लतीफ भटाई के जो सैयद वक़ार लतीफ़ी साहब की तरफ से। अब मैं दावत खिताब के लिए जहमत दूंगा दीवान असमत सैद साहब को, वो तशरीफ लाएं और अफकार आलिया सुनाएं। والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نهايه واجب الاحترام چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب نهايه واجب الاحترام مشائخ اعظام و حاضرین محفل السلام علیکم تمام تفصیلی باتیں میرے بھائی سید حبیب عرفانی صاحب نے آپ لوگوں کی خوش گزار کی اور خان صاحب کی بھی خوش گزار کی میں صرف دو منٹ کہوں گا خان صاحب ایک دفعہ پہلے مشائخ اعظام اپنی خانقاہوں سے نکلے تھے جب پاکستان بنانے کی ضرورت تھی تو ہمارے قائد محمد علی جناح کی شانہ بشانہ ان لوگوں نے کھڑا ہو کر پاکستان بنایا اس کے بعد دو قسم کے پارٹیز آ گئی سامنے ایک کو رائٹس کہنے لگ گئے ایک کو لیفٹس کہنے لگ گئے تو ہم لوگ اس وقت سے لے کر وہ رائٹس جسے ہم مسلم لیگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہے کہ دین کے ساتھ بھی ان کو زیادہ پیار ہے اور ہمارے آبا کے ساتھ بھی ان کو زیادہ پیار ہے اور خاص کر کے تحفظ ناموس رسالت کے لیے بھی یہ لوگ آگے آگے ہیں مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کی وفاداریوں میں بھی کوتاہیاں پیدا ہو گئیں اور انہوں نے آخر کار ختم نبوت کے بل کے ساتھ جو مذاق کیا گھنونی سازش کی وہ آپ سب کے سامنے ہیں ہم صرف مشائخ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ صرف ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ آپ کو حکومت دے تو آپ ان بد عقیدہ اور بد کردار لوگوں کو سامنے لائیں گے جو اس گھنونے کام میں شامل تھے اور ان کو قرار واقعہ سزا دلوائیں گے آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں اور ہم مشائخ انشاءاللہ تعالی سر دھڑ کی بازی لگا کر آپ کو جتانے ہی آخر میں میں اپنے بھائی سید حبیب عرفانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پچھلے ایک ماہ سے ان کے محبوب کے ساتھ رابطے میں ہوں
एक माह से पूरे पंजाब का उन्होंने चक्कर लगाया, हर जगह पे उन्होंने रबते किए और जिसका नतीजा ये है कि आज चारों सूबों की नुमाइंदगी इधर है। शुक्रिया।